राजस्थान के श्री गंगानगर जिले की श्री करणपुर विधानसभा सीट पर 5 जनवरी को मतदान होना है। दरअसल राजस्थान में 26 नवंबर को मतदान हुआ और 3 दिसंबर को मतगणना के बाद प्रदेश में भाजपा की सरकार बन चुकी है, लेकिन श्री करणपुर विधानसभा सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी गुरमीत सिंह कुन्नर के निधन के बाद यहाँ चुनाव स्थगित कर दिए गए थे। लेकिन अब 5 जनवरी को इस सीट पर चुनाव होना है और इस सीट पर कांग्रेस ने जहाँ गुरमीत सिंह कुन्नर के बेटे रुपिंदर सिंह कुन्नर को मैदान में उतारा है, तो वहीं भाजपा ने इस सीट पर पूर्व जो मंत्री थे सुरेंद्र पाल सिंह टीटी, उनको मैदान में उतारा है। लेकिन इस सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में किस्मत आजमा रहे 78 वर्षीय तीतर सिंह सुर्खियों में है। नमस्कार, मैं हूं आदित्य आत्रे और आप देख रहे हैं द नगरी न्यूज। तीतर सिंह अब तक लगभग 31 बार विभिन्न चुनाव लड़ चुके हैं और सभी में उन्हें हार का सामना करना पड़ा है और अब 32वीं बार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। तीतर सिंह के अगर जीवन यापन की बात करें तो तीतर सिंह दिहाड़ी मजदूरी करते हैं और चुनावी ताल ठोकने के बाद तीतर सिंह काफी फेमस हो चुके हैं। तीतर सिंह को लोगों का दिल वोट जीतने का भरोसा है। तीतर सिंह का कहना है कि मैं हर बार गरीबों के लिए लड़ता हूं और मुझे उम्मीद है कि लोग इस बार मुझे चुनाव जिताएंगे। तीतर सिंह का ये भी कहना है कि जो मतदाता है वो हर बार पार्टी देखते हैं, प्रतिनिधि देखते हैं, लेकिन मेरा जो मकसद है, मैं चाहता हूं कि गरीबों को लेकर काम हो और गरीबों की सुनवाई हो। अपने इसी मकसद को लेकर वो इससे पहले भी लगभग 30 से अधिक बार चुनाव लड़ चुके हैं। अब तक कई जो चुनाव हुए हैं उनमें तीतर सिंह अपनी जमानत भी नहीं बचा पाए हैं, लेकिन उनका हौसला बरकरार है। वे कहते हैं, मैं चुनाव लड़ना जारी रखूंगा क्योंकि वे किसी पार्टी या लोगों तक सीमित नहीं रहना चाहते। आम लोग भी राजनीति में उतर सकते हैं और गरीब और गैर प्रतिनिधित्व वालों के लिए खड़ा हो सकते हैं। तीतर सिंह के चुनावी हलफनामे के अनुसार वह करणपुर के गुलाबे वाला गांव के रहने वाले हैं। उनके पास कुल संपत्ति के रूप में 2500 रुपए है जिनका इस्तेमाल उन्होंने नामांकन दाखिल के लिए कर लिया है। वे अपने रुपयों को पत्नी के पास ही रखते हैं। तीतर सिंह ने औपचारिक स्कूली शिक्षा प्राप्त नहीं की है। वह जो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी, जिसे मनरेगा कहते हैं, इस योजना में मजदूरी करते हैं। उनके बच्चे हैं, उनकी शादी हो चुकी है, लेकिन वे भी मनरेगा में ही मजदूरी करते हैं। तीतर सिंह का कहना है कि चुनाव लड़ने के लिए मेरा एक विशेष मकसद है। कोई भी सरकार गरीबों की दुर्दशा नहीं समझती है, यह तीतर सिंह का कहना है, और हमें और हमारे मुद्दों को हल्के में लेती है। हमारे पास कोई जमीन या संपत्ति नहीं है, लेकिन जीवन यापन में हम सक्षम हैं। कई बार जमानत जब्त होने के बावजूद हम किसी भी वित्तीय समस्या का सामना नहीं करना पड़ा है। तीतर सिंह ने अपना पहला चुनाव 1970 में लड़ा था और तब से लोकसभा, विधानसभा, पंचायत चुनाव मिलाकर कई छोटे बड़े चुनाव अब तक वो लड़ चुके हैं। इन दिनों सोशल मीडिया पर तीतर सिंह काफी वायरल भी हो रहे हैं और उनके समर्थक उनका हौसला बढ़ा रहे हैं। अब देखना है कि मतदाता तीतर सिंह को विधायक बनाते हैं या फिर तीतर सिंह एक बार फिर अगले किसी चुनाव की तैयारी में जुट जाते हैं। फिलहाल के लिए धन्यवाद, आप जुड़े रहिए हमारे साथ।